और जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कई टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और काम कर रहे अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा की दूसरे डोज वैक्सीनेशन अभियान के तहत। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक के दौरान, निरीक्षण के दौरान और मीटिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह उज्जैन शहर और उज्जैन जिले के अंदर आने वाली तमाम तहसीलों में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत सेकेंड डोज व्यवस्था को बेहतर बनाए और आम नागरिकों को सुविधा के अनुसार सेकेंड डोज का लाभ मिले। उसी निर्देश के बाद तमाम उज्जैन जिले की तहसीलों में स्वास्थ्य विभाग, महिला विभाग और तमाम तहसील के शहरी सीमा क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में अंदर टीकाकरण महाअभियान चला और जिसमें लोग पहुंचे और टीके लगवाए। साथ ही फोन लगाकर भी आम नागरिकों को बुलाया गया टीकाकरण शिविर में टीके लगवाने के लिए। श्रीमान जिलाधीश महोदय निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक विकास खंड में जो सेकेंड डोज के जो ड्यू लोग हैं, जो छूटे हुए लोग हैं और जिसमें जो एक टीकाकरण जो सत्र होते हैं, हमारी सीवीसी बनती है, उसके आधार पे उन्होंने जो टारगेट हमको जो है दिया था, हमारे विकास खंड वडनगर में लगभग 13,000 जो ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे 150 से एक सीवीसी में 150 से लेके 400 या 500 तक की जो ड्यू लिस्ट जा रही है। तो कल हमारा जो वैक्सीनेशन महाअभियान है 8 दिसंबर को, उसमें हम पहला फोकस यही रहेगा कि उसमें हम जो कवर करेंगे, क्योंकि अभी आपने जैसे सुनने में आ रहा है कि जो अपना ओमिक्रॉन जो वायरस है, जिसको हम तीसरी लहर की जो शुरुआत भी कह सकते हैं, तो उसको अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरा जन समुदाय में जो मैसेज कर रहा है, हमारी आशा कार्यकर्ता है और हमारे सभी कर्मचारी जो लगे हुए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।